I'm sorry. चलो हमने करना है फंजाय, स्टडी ऑफ फंजाय, इट इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. स्टडी ऑफ फंजाय इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी, माइकल. फादर ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस. जो फंजाई है मेनली प्लांट्स में डिजीजेस, ह्यूमंस में भी कुछ इंफेक्शन है बट मेनली प्लांट्स में डिजीजेस करती है. बी बेरी, बी बेरी, ठीक है जी. फंजाई है क्या है? फंजाई जो है बेटा, मतलब अगर आप देखेंगे कभी ब्रेड पे आपने लगी देखी होगी, कभी आपने ये देखा होगा शायद, कभी आपने कहीं ना कहीं आपने जरूर ये ना ऑब्जर्व किया होगा कि आपका टिफिन जो है वो बैग में पड़ा रह गया, बाद में 3-4 छुट्टियां आ गई, मम्मा को भी नहीं याद रहा कि टिफिन बाहर निकाला या नहीं निकाला, और 4-5 दिन बाद जब आपको याद आया कि टिफिन बाहर निकालना है तो उसमें बाई चांस आपने रोटी भी नहीं खाई, तो जो वो रोटी थी उसपे व्हाइट व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्लाइमी सा वो आ गया था. हैव यू एवर ऑब्जर्व? ठीक है. या फिर ब्रेड पे, ब्रेड बाहर पड़ी रहेगी, बरसातों के दिन है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी है, 4-5 दिन हमने नहीं देखी, तो क्या हुआ उस ब्रेड पे ग्रीन ग्रोथ आ गई, ग्रीन या ब्लैक से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो डिपॉजिट होने शुरू हो गए. सो दैट इज कॉल्ड एज फंजाई. तो फंजाई क्या है बेटा? पहली बात तो ये एक्लोरोफिलस है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन ऑटोट्रॉफिक मीन्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. तो एक्लोरोफिलस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. थैलोइड, बिकॉज थैलोइड मीन्स नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, दैट इज कॉल्ड एज थैलोइड. ठीक है. एंड हैज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बहुत बारीक 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 बहुत थिन थिन थ्रेड्स है विच आर इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर टू फॉर्म ए नेटवर्क, एंड दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज माइसीट. तो अब हम क्या कहेंगे, फंजाई क्या चीज है? फंजाई इज द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक माइसीलियल. एक्लोरोफिलस organisms which perform heterotrophic nutrition. This is the definition of fungi. ठीक है जी. Has या is cosmopolitan in distribution. क्या मतलब है cosmopolitan का बेटा? हाँ जी हरगुन, what do you mean by cosmopolitan? Mom, pata nahi, but I think widespread. Widespread, everywhere. Cosmopolitan means everywhere.
डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फाउंड एवरीवेयर सच एज aquatic habitats, rocks, on plants, in soil, on or in living organisms, etc. And it requires warm and moist habitat, moist conditions for growth. That is why we keep food in fridge, in refrigerator, to prevent growth of fungi. नहीं तो खाना खराब हो जाएगा. उसके बाद द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज हाइफे. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई आर कॉल्ड एज हाइफे. Various hyphae of a fungi means एक ही fungi के है. Various hyphae of the fungi are intermingled to form a complex network called as mycelium, The hyphae are branched. Next step. The hyphae can be non-septate and multinucleated. Cytoplasm hai, septa, koi beech mein koi diwar nahi hai. The hyphae can be non-septate and multinucleated. Such hyphae are called as sinocytic hyphae. Such hyphae are called as sinocytic hyphae. Whereas in some other fungi, अभी मैं एग्जाम्पल्स बाद में बताऊंगी. इन सम अदर फंजाई द हाइफे हैज सेप्टा,
the hyphen has septa in between cells. Such fungi has uninucleated cells. और इसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफे. सच हाइफे आर कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफे. एंड दीज बियर्स सेप्टल पोर्स. The septa bears small pores called as septal pores. यहाँ पे देखो, in some other fungi, the septa has The septa has a septal pore which is guarded by balloon like swellings of the septa. Such septa are called as Dolly pore septa. Such septa are called as Dolly pore septa. Next point है, the cell wall of fungi is formed of किसकी बनी है? Is formed of chitin. और chitin क्या है? ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, इट इज ए पॉलीमर ऑफ, मैंने बताया हुआ है आपको, इट इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन. शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है. ये बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन जुड़कर क्या बना रहे हैं? दैट इज काइटिन. एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन एज, इसी पॉइंट में लिखो, एज सेल्यूलोस इज टू प्लांट सेल्स की सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोस से. सो इज द काइटिन टू फंजाई. जैसे प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोस की बनी है, ऐसे ही फंजाई में सेल वॉल काइटिन की बनी है. Therefore, chitin is called as, बहुत इंपॉर्टेंट है, fungal cellulose. Chitin is called as fungal cellulose. नेक्स्ट पॉइंट है,
the structure of fungal cell is typically eukaryotic. Structure of fungal cell is eukaryotic. Kya components hai? Outermost chitinous cell wall. CW means cell wall, आपने पूरा लिख लिया. उसके बाद plasma membrane, inside plasma membrane is well-defined nucleus, well-defined nucleus having chromosomes formed of DNA and histone protein. Having DNA and histone proteins. Various organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi bodies, small vacuoles, etc. are matlab ribosomes etc. are present. Next point is seen in chloroplast absent. Chloroplast to hai nahi plant cell mein. Chloroplast absent. Mitochondria are found in aerobic forms. Yeah, aerobic fungi. Mitochondria are found in aerobic fungi. Kyunki kuch fungi jo hai wo anaerobic respiration karti hai. Wahan pe mitochondria ki zarurat hi nahi. Then next aa jata hai beta, in between. In between cell wall and the plasma membrane, there are present specialized structure called as lomasome. In between cell wall and plasma membrane, there are present specialized structure called as lomasome, which may be attached to the plasma membrane. Function इनका पता नहीं है अभी हमें, but ये कहा जाता है कि maybe they secrete cell wall. ठीक है, function of lomasome not clear, but they may secrete cell wall material. They may secrete
दे मे सिक्रीट सेल वॉल मटीरियल. ये टिपिकल फंगल सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, दिस इज न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है, देन दीज आर गॉल्जी अपरेटस तो नहीं बट डिक्टियोसोम्स प्रेजेंट है क्योंकि पूरा अपरेटस नहीं बनाया हुआ. डिक्टियोसोम्स आर प्रेजेंट लाइक प्लांट्स. पॉलीराइबोसोम, दीज आर ATS ribosomes. This is vacuole. Oil globules. These are oil globules. In some form, आपको पर मैंने बताया कि aerobic forms में there may be present mitochondria also. Aerobic forms mein mitochondria present hai. Reserve food kya hai? That is glycogen. So this is glycogen. So ye hai न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, डिक्टियोसोम, ग्लाइकोजन बॉडीज. Polysome, ATS, ribosome, oil globule, mitochondria, plasma membrane. And this is cytoplasm. Now your structure. This is the typical fungal cell. Some fungi such as yeast is unicellular. Is unicellular. Nutrition fungi mein kaisi hai? It is always heterotrophic. Nutrition in fungi is heterotrophic. Kaun kaun si ho sakti hai? Main. It is
sephrotic feeds on dead and decaying matter. It can be parasitic, live in or above the living organism. Parasitic means they obtain nutrition from the other living organisms. Or they can be symbiotic, live with any other partner, and the both the partners are benefited. Symbiotic means the fungi lives in association with other organism, obtains sugars from it, and gives raw material to the other member. Abhi hum karenge. Gives the raw material to the other member. Symbiotic ki example aa jati hai bache. Lichens. Two partners are algae and fungi. Another is mycorrhiza, fungi lives in the roots of higher plants. Abhi hum karenge. Unki roots mein rehte hain, unko raw material dete hain plants ko, plants se sugar sources lete hain ya sugar food, carbohydrates lete hain. Saprobic fungi example abhi main, it is abhi common wala hi bataungi. Agaricus. Agaricus matlab mushroom. Another is Saccharomyces. Saccharomyces ka matlab hai yeast. Another is जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, राइजोपस, जिसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड या पिन मोल्ड. पैरासिटिक एग्जाम्पल है पक्सीनिया ग्रेमिनिस. Triticide. It causes black rust of wheat. Aur bhi karenge hum, but abhi yehi example batayenge. Black rust of wheat. This is about nutrition. Next aa jati hai beta. Respiration. Some fungi are aerobic and some fungi anaerobic. Some fungi perform aerobic respiration, some performs anaerobic respiration. Jo yeast hai, it is facultative respiration. Mainly performs anaerobic respiration. Tabhi fermentation mein kaam aati hai. But if supplied by oxygen in large amount, if supplied with oxygen in large amount, it performs aerobic respiration. It performs
aerobic respiration. Next है reproduction. Next is reproduction. It performs reproduction by three modes: vegetative reproduction, asexual reproduction by spores, और फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहला है फ्रेगमेंटेशन. ये हाइफा है, इट इज फ्रेगमेंटेड इंटू स्मॉल सेगमेंट्स. And each segment then grows to form complete hypha. That is called as fragmentation. Second आ जाता है binary fission. Example इसकी आ जाएगी yeast में. Binary fission, yeast, unicellular organism. It increases in size and then it simply divides into two equal daughter cells. What is binary fission? When the parent cell divides into two equal daughter cells, that is called as binary fission. Example है yeast. ठीक है जी. Third आ जाता है बेटा budding. Vegetative reproduction में ही. Third is budding. Example again yeast. यहाँ पे भी आप न्यूक्लियस दिखा सकते हैं. इन बडिंग इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्मेशन ऑफ टू न्यूक्लियर, देन अ स्मॉल आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड. This is called as bud. And this bud gets separated, then grows and forms yeast. So fission or budding mein kya farak hai? Yahan pe the two cells formed are equal in size. Here the two cells formed are unequal in size. Baki sab procedure same. Likh lo difference between binary fission and budding. Pehle ye bana lo aur fir jo hai difference bhi likh lo. Next hum aa jaate hain beta asexual reproduction by spores. To kaun kaun se spores hai? It is zoospores, sporangiospores, and
who need your spoon. Zoospores are motile and thin-walled. Motile क्यों है? Have flagella. Sporangiospores non-motile and thin-walled. Conidiospores, non-motile and thin-walled, and are formed on in chains. Are formed in chains. ठीक है जी, तो सबसे पहले आ जाएंगे zoospores. These are found in, नीचे ही लिख लो इसके, these are found in aquatic fungi. These are found in These are mainly found in, जरूरी नहीं है, but these are mainly found in aquatic fungi such as Ichneumonia, Sporangiospores. These are found in specialized structures. These are found in specialized structures called as sporangia. These are liberated with the help of air. These are liberated with the help of air. ये जो डोम शेप्ड सेप्टा है, सेप्टा क्योंकि ये स्पोरेंजिया को बाकी से अलग कर रहा है, डोम शेप्ड सेप्टा इज कॉल्ड एज कोल्यूमेला. इट सेपरेट्स spores from rest of the hyphae. It separates spores from rest of the hyphae. किसमें बन रहा है? Example है rhizobus. Bread mold में बनता है. ठीक है, बनाओ फटाफट. उसके बाद है कोनिडियोस्पोर्स. दीज आर फॉर्म ऑन स्पेशलाइज्ड हाइफे कॉल्ड एज कोनिडियोफोर. फॉर्म्ड ऑन
specialized hyphae called as conidiophore, which bears chain of conidiospores. At its tip, which bears chain of non-motile conidiospores at its tip that are liberated by air. Iski example aa jati hai beta. Penicillium. Another is Aspergillus. Penicillium, Aspergillus. ये तो बेटा तीन मेन मोड्स है. एक और आ जाता है ओइडिया. अनदर इज ओ आई डी आई ए. अनदर इज ओइडिया. दीज आर फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ, कब बनते हैं, जब सबस्ट्रेटम में जहां पे फंजाई ग्रो कर रही है वहां पे बहुत ज्यादा पानी है, वहां पे बहुत ज्यादा शुगर सॉल्ट्स है, तब बनते हैं ओइडिया. दीज आर फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सेस वाटर, शुगर्स एंड सॉल्ट. Oidia are single celled. Oidia are single celled, singly present at the tip of hyphae. Get separated from hyphae. And then divide by budding. And then divide by budding. Example aa jata hai Oidia ka. Again Rhizopus. Agar favorable conditions hai Rhizopus ki, तो वो रिप्रोड्यूस करता है स्पोरेंजियोस्पोर से. जब मीडियम में एक्सेस वाटर सॉल्ट्स ये आ जाते हैं, देन इट फॉर्म्स ओइडिया. नेक्स्ट आ जाता है बेटा वन मोर, दैट इज क्लेमाइडोस्पोर्स. वन मोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय Chlamydospores. Chlamydospores are thick-walled spores. Chlamydospores are thick-walled spores formed during during unfavorable conditions. These help in perination. These help in perination. Perination का क्या मतलब होता है बेटा? Overcoming unfavorable conditions. Overcoming unfavorable condition. बाकी का हाइफा सब मर जाएगा, सिर्फ क्लेमाइडोस्पोर जिंदा रहेंगे. फिर जब नेक्स्ट फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ये क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट करेंगे एंड देन ग्रो इनटू फंजाई. तो यहाँ पे लिख लो, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस rest of the fungal mycelium
diet, rest of the fungal mycelium, die, and only chlamydospores survive. Only chlamydospores survive. And they germinate when the favorable conditions arrive. So these are the various asexual modes of reproduction. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेरियस मेथड्स. तो बट होती क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमेट, या हम फर्टिलाइजेशन कह लीजिए, यहाँ पे तो नहीं हम बात करते. इन विच फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, ऑल्टरनेट्स विद मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन. और यू कैन से द टू प्रोसेसेस ऑल्टरनेट्स विद ईच अदर. This is called as sexual reproduction. So in case of fungi, it occurs by planogametic copulation. Another is gametangential contact. Gametangential copulation. Another is somatogamy. और एक है spermatogamy. These are the five modes by which sexual reproduction occurs. Planogametic copulation. In which the two gametes are motile. In which the two gametes are motile and fuse to form zygote. And fuse to form zygote. Mom, repeat कर दो. Planogametic में है the fusion. Simply अगर हम ये कहें the fusion between motile gametes. It can be isogamous. An isogamous and oogamous.
isogamous, an isogamous and oogamous. अगर आप मुझे अब खुद बताना क्या डिफरेंस है. ये है आइसोगैमी. This is an isogam. This is oogam. ये female gamete, ये male gamete. Female gamete, male gamete. Female gamete, male gamete. बताओ जल्दी से क्या डिफरेंस है. आइसोगैमी क्या है बोलो जल्दी से गुंजन. क्या डिफरेंस है तीनों में. देखो डिफरेंस क्या है कि तीनों में मेल गैमेट्स का डिफरेंस. यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स इक्वल इन साइज. आइसोगैमी, आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमेट्स, अस मतलब फ्यूजन. फ्यूजन बिटवीन सिमिलर गैमेट्स. लिखो fusion between, isogamous means fusion between male and female gametes of same size, of same size and motility. Second is an isogamous. The male gamete is smaller than the female gamete. Male gamete is smaller than the female gamete. Phir oogamous. Female gamete is very large and non-motile. Female gamete is very large and non-motile. Due to lot of stored food, इसके अंदर बहुत ज्यादा food stored है, size बड़ा है, इसलिए ये move नहीं करता है, flagella ही नहीं होता इसमें. Female gamete is very large, non-motile and has stored food. Whereas male gamete is very small, no stored food. Maybe motile or non-motile. Maybe motile or non-motile. ठीक है जी. So this is planogametic copulation. Next आ जाता है बेटा गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट. Next is गैमिटेंजियल. पहले हम गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, फिर सोमेटोगैमी. मैम मैं पूछ रही हूँ कॉपुलेशन और कॉन्टैक्ट में फर्क क्या होता है. बताती हूँ मैं तो अभी बताती हूँ. पहले है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट. इट अकर्स इन द फंजाई हैविंग सेक्स ऑर्गन्स. इट अकर्स इन द फंजाई हैविंग सेक्स ऑर्गन्स. Female sex organ is called as oogonia. Female sex organ is called as oogonia, which bears egg ya oosphere ya egg. And the male sex organ is called as entregia. Male sex organ is called as entregia.
which form many male gametes the male gametes. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. मैम एक बार ये पॉइंट रिपीट कर दो ना. Tibia is the male sex organ which form many male gametes. The entheria send sends the male gametes into the oogonia through conjugation tube. This is gametangial contact. यहाँ पे गैमिटेंजिया क्या है ये स्टार डाल के पहले देखो लिखो. गैमिटेंजिया क्या है? विच बियर गैमिट्स स्ट्रक्चर्स विच बियर गैमिट्स आर कॉल्ड एज गैमिटेंजिया. तो यहाँ पे कौन से है? दैट इज ओगोनिया और दूसरा है एंथ्रीडिया. ये एक दूसरे के पास में आए बट गैमेट्स किसके थ्रू भेजे? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू. नेक्स्ट आ जाता है बेटा गैमिटेंजियल कॉपुलेशन. गैमिटेंजियल कॉपुलेशन in which the male and female gametangia fuse with each other directly fuse with ये दो गैमिटेंजिया है प्लस एंड माइनस कह देते हैं इसमें मेल फीमेल का पता नहीं चलता. प्लस एंड माइनस गैमिटेंजिया दे फ्यूज विद ईच अदर डायरेक्टली. क्या है? ये है सिनोगैमेट्स. सिनोगैमेट्स का क्या मतलब है? मल्टी न्यूक्लिएटेड गैमेट. ये भी एक गैमेट है ये भी बट इसमें मल्टी न्यूक्लियाई है. दीज आर सिनोगैमेट्स. पहले गैमेटेंजिया फ्यूज हुए और उसके बाद ये सिनोगैमेट्स ही फ्यूज हो जाएंगे जिसके कारण मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइगोट बनेगा resulting in formation of multinucleated zygote बन गया. This is gametangial. ठीक है गुंजन? Gametangial copulation और gametangial कॉन्टैक्ट में फर्क पता चला. गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब है. गैमिटेंजियल कॉपुलेशन में दो गैमिटेंजिया एक दूसरे के थ्रू फ्यूज हो गए. नेक्स्ट आ जाता है बेटा सोमेटोगैमी. नेक्स्ट इज सोमेटोगैमी.
यहाँ पे डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, कोई गैमिटेंजिया, कोई एंथ्रीडिया, उगोगोनिया नहीं बनते, डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट. द जाइगोट इज फॉर्म्ड. यहाँ पर ह्यूमन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ह्यूमंस का अलग है, क्योंकि ह्यूमन फंजाई में तो कुछ है ही नहीं ना. ठीक है, डिस्टिंक्ट सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स. दो सेल्स है हाइफा के, वही आपस में फ्यूज करके two somatic cells of the hyphae. Sexual reproduction occurs by fusion of two somatic cells of hyphae. That is called as somatogamy. Next आ जाता है spermatogamy. Spermatogamy में the small male gamete is called as spermatia. The small male gamete is called as spermatia. And it is carried to the receptive part of female sex organ. Receptive part of female sex organ by wind or by insects. Yeah, by water bhi. By wind, water or by insect. Sperm ko carry karke koi lekar jata hai. That is called as spermatogamy. Is it okay? So these are the modes of sexual reproduction. In different type of fungi, sexual reproduction forms zygospores, ascospores, decidiospores, etc. अलग अलग, किसी में जाइगोस्पोर बनता है, किसी में एस्को, किसी में डिसिडियोस्पोर बनता है. दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज सेक्सुअल स्पोर्स. दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज सेक्सुअल स्पोर्स. ए सेक्सुअल स्पोर्स बताए थे और दीज आर कॉल्ड एज सेक्सुअल स्पोर्स. बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई थ्री इवेंट्स होते हैं. देयर आर थ्री मेन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई. फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ऑफ टू गैमेट्स. ये है प्लाज्मोगैमी. सेकेंड है कीरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई.
फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर और थर्ड आ जाते हैं मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन नेक्स्ट इज रिडक्शन डिवीजन। In some cases, plasmogamy and karyogamy occur simultaneously. जैसे ही cytoplasm fuse हुआ, साथ ही nucleus भी fuse हो गया। In some fungi, plasmogamy and karyogamy occur simultaneously. Whereas, in some other fungi, karyogamy is delayed. ये नहीं हो रहे तो ये क्या है? दिस इज डायकैरियोटिक सेल, दिस इज जाइगोस्पोर। या सिंपल जाइगोट लिख दो आप, अभी जाइगोस्पोर की बात हम नहीं करते। In some cases, the plasmogamy and karyogamy occur simultaneously. Whereas in some other cases, karyogamy is delayed. Plasmogamy to ho jati immediately. Karyogamy is delayed, resulting in formation of diakaryotic cell. That is binucleated cell. And the phase of fungi is called as diakaryophase. ये हम करेंगे जब हम डिसिडियोमाइसिटीज का करेंगे। ठीक है जी, तो बेटा आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। नेक्स्ट टाइम हम क्लासिफिकेशन करेंगे फंजाई की, कि फंजाई कितने ग्रुप्स में बंटी हुई है, क्यों बंटी हुई है, क्या है क्या नहीं। तो ये पढ़ो, साथ साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा, याद रहेगा। और अगर छोड़ोगे कि हम कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, फंजाई गाया, एग्जाम्पल्स गाया, सब कुछ गाया, फिर सोचोगे हाय हाय मैडम ने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो एवरीबडी ठीक।